जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, एडवांस में आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो, बधाई हो। सारी संगत जी को बहुत बहुत बधाई हो। आप भी कहेंगे कि बुलबुल आंटी अचानक से सरप्राइज लाइव आ जाती हैं, पर मैं क्या करूं, गुरुजी बिठा देते हैं। और मतलब कि गुरुजी पहले मैसेज डलवाते ही नहीं हैं, कि कोई डिसाइड ही नहीं करने देते कि मैं बैठूं और सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी मन में बैठे बैठे भाव दे देते हैं कि चलो बैठ जाओ, आज गुरु की महिमा का बखान करना है। तो सच्चे पातशाह जी मेहर करें। देखिए, गुरुजी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई को मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर लाइव आऊँगी और कोशिश करूँगी मैं रात को लाइव आने की, पर दिन में हम बड़े मंदिर जाएंगे, पता नहीं वहाँ पर कितना टाइम लगता है संगत जी। और इसलिए फिर मैंने ये सोचा था कि मैं 6 तारीख को रात को लाइव आऊँगी, पर आज गुरुजी ने आज भी बिठा दिया। तो बहुत सारे सत्संग थे जो शेयर करने थे, और मैं करती भी रहती हूँ। अभी मैंने बहुत सारे सत्संग के टॉपिक लिखे हुए हैं, क्योंकि ना इन दिनों मैंने बहुत सारे नई संगत को सत्संग सुनाए हैं, और सुनाए सारे पुराने हैं, शायद आपने भी सुने होंगे। कई लोगों ने वो सत्संग सुने भी नहीं होंगे, बहुत पहले के सत्संग हैं। तो गुरुजी ने लाइन वाइज लाइन मुझे नई नई संगत को वो वाले सत्संग सुनवाए इन दिनों में। तो मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगा कि अरे ये तो मैंने कभी सुनाया ही नहीं था। तो इसलिए गुरुजी ने आज बिठा दिया, और तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे, मुझे पता है जुड़ ही जाएंगे। देखिए, जो अभी जुड़कर सत्संग लाइव सुनेंगे वो तो सुन ही लेंगे, लेकिन बाद में मैं इसको पिन कर देती हूँ तो ये ऊपर टॉप पे आ जाता है, तो बाद में भी आप लोग सत्संग सुन सकते हैं। और क्योंकि सत्संग सुनने का कोई समय निश्चित नहीं होता, वो सब गुरु जी डिसाइड करते हैं। तो आइए पहले एक बार दरबार के दर्शन कर लीजिए, तो आप सुबह भी करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गुरुजी, बर्थडे की आपको बहुत 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 मुबारक हो जन्मदिन की। और जो मेरे पीछे महाराज बैठे हैं, ये राजा मेरे राजकुमार, आज इसी इन्हीं सब रूप के आगे बैठ के मन किया अपने राजकुमार के चरणों में बैठकर गुरु की महिमा का बखान करूँ। तो सबसे पहले हम एक दो लाइन अपने गुरुजी को डेडिकेट करते हैं कि हम सब उनकी पतंग हैं, वो जैसे चाहे हमें उड़ाएं, जैसे चाहे हमें नचाएं, जैसे चाहे कठपुतली की तरह हमें यूज़ करें, हमें कहाँ से कहाँ ले जाएं, वो उनकी मर्जी है। चाहे तो आकाश में ले जाएं, चाहे तो आसमान में टांग दें, चाहे तो ज़मीन पर गिरा दें। तो दो लाइन हम गुरुजी के लिए गाते हैं, फिर उसके बाद अपना सत्संग स्टार्ट करेंगे। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों खिची ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। तो आगे क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन्म, बहुत सारे कर्म काट कर, बहुत सारी तप जप कर कर, बहुत कठिनाइयों परेशानियों से हमें ये द्वार मिला है। तो हम क्या अरदास करते हैं, बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए बाबा तेरा द्वारा ए, मैनू इको तेरा आसरा नाले तेरा सहारा ए बाबा तेरा सहारा ए, हुन तेरे ही परोसे, हुन तेरे ही परोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गुरुजी। और आज हम और आप मिलकर गुरुजी से दो बातें करेंगे, अपनी कुछ सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे और गुरुजी की महिमा सुनेंगे। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक सॉन्ग के ऊपर दो लाइन गुरुजी के लिए गाई थी, बड़ा ही बहुत ही प्यारा गाया है जिस भी सिंगर ने इसको गाया है, पर इसके बोल मुझे बड़े अच्छे लगे हैं और बोल पे ही जाते हैं। चन दी चाननी थले बह के, चन दी चाननी थले बह के, दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए प्यार दिया, आजा गल्ला करिए, आजा गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए प्यार दिया। हथा विच तेरा हथ होवे, समा उथे ही खलो जावे, हो तेरा मेरा प्यार दुनिया तो वख होवे, समा उथे ही खलो जावे, हो दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए, आज गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए, हो ठंडिया छावां, हो ठंडिया छावां, ठार दिया दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए प्यार दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपके साथ भी सत्संग शेयर करूंगी, जो मैंने बहुत सारे अभी पीछे रिसेंटली सत्संग बहुत सारी नई संगत को सुनाए। आज का जो सत्संग है ना गुरुजी के बर्थडे पर, देखो आपको पता है कि गुरुजी को अपना बर्थडे मनाने का बड़ा ही शौक होता था। गुरुजी बड़े शौक से अपना बर्थडे मनाते थे। तो जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी तो मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैं भी अपना बर्थडे बड़े शौक से मनाती थी। और मेरा जो बर्थडे होता है ना, तो मैं खुद ही अपनी डीपी लगाती हूँ और सबको, अपने फ्रेंड्स को और सबको बोलती हूँ कि आज मेरा बर्थडे, भी मुझे विश करो। खुद मांग के मैं विश लेती हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी भी ऐसे ही करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैं तो आपके जैसी हूँ। तो हम ना कहीं गुरुजी से अपने आप को ना कोशिश करते कनेक्ट करने की। वो ना हमारा प्यार होता है संगत जी, कि गुरुजी कैसे करते हैं, गुरुजी कैसे बैठते हैं, गुरुजी कैसे खाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई संगत रीस करती है गुरुजी की, नहीं। जैसे देखो कहते हैं ना कि किसी का आइडल होता है, उसके फादर होते हैं, तो वो बच्चे अपने फादर को हमेशा कॉपी करते हैं। कोई लड़कियां होती हैं अपनी मदर को बहुत कॉपी करती हैं, कोई बच्चे होते हैं अपने भाई को कॉपी करते हैं, उसको अपना आइडल मानते हैं, कोई अपनी सिस्टर को मानते हैं, कोई अपने फ्रेंड्स को मानते हैं। तो ऐसे ही मैं अपना आइडल गुरुजी को मानती हूँ। तो हम वो कोशिश करते हैं कि हमारे गुरुजी ने जो हमें सिखाया वही हम काम करें। गुरुजी को जो अच्छा लगता है वो हम करें, गुरुजी को जो अच्छा नहीं लगता वो हम ना करें। तो हमें गुरुजी के बर्थडे पे ना सबसे पहले ना अपने आप से एक प्रॉमिस ज़रूर करना है कि हम वही काम करें जो हमारे गुरु को भाए। तेरा भाना मीठा लगे, जो तुझे अच्छा लगे ना हम वो करें। क्योंकि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, हमें कैसी संगत बनाना चाहते हैं। अब गुरुजी ने अपने बर्थडे की, गुरुजी बहुत पहले से अपने बर्थडे की प्लानिंग कर लेते थे। वो ये नहीं ऐसे, मतलब उनके लिए तो लोग ही करते थे, ये वाला चोला पहनाएंगे, ऐसे सजाएंगे मंदिर को। अपने लिए उन्होंने ऐसे कोई सजावट का तैयारी नहीं करते थे। उनको शौक होता था कि मैं केक कटिंग करूँगा, और वही शौक जो है ना आज संगत को उनका बर्थडे मनाने पे मजबूर कर देता है। तो मैंने आज सुबह भी एक मैसेज डाला था संगत जी कि अपने घर में सुबह सुबह आप सत्संग कर लो, पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, मंत्र जाप कर लो जल्दी उठकर, और उसके बाद सब लोग बड़े मंदिर ज़रूर जाएं। क्योंकि देखो यहाँ मैं आपको फिर से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कई लोग, कई बार पहले हमारे घर के ही लोग कह देते थे, कई बहुत सारे संगत जी ये कह देते हैं कि अरे बड़े मंदिर तो बहुत दूर है, जैसे मेरे यहाँ से भी 2 घंटे लगते जाने में, और उस दिन वैसे ही बड़ा जाम होता है, तो बहुत दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मुझे याद है आज से 3 साल पहले जब कोविड नहीं था, उस दिन 8 लाख संगत थी और बहुत दूर फार्म हाउस तक इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था बड़े मंदिर के सेवादारों ने, गौरव अंकल ने, कि गाड़ियाँ शटल दूर दूर से आपको मतलब बिल्कुल ऐसे ले के जा रही थी, बिल्कुल पॉइंट से ले के जा रहे थे, और आपको बिल्कुल चलना नहीं पड़ रहा था रास्ते में। इतना ठंडा नींबू पानी, जल प्रसाद, कितना खाने का सामान, इतना लैविश आपका वेलकम होता है बड़े मंदिर में कि किसी शादी में भी क्या होता होगा।
तो फिर मैंने यही बात मेरे मन में गुरुजी ने डाली, बहुत बार डाल चुके हैं ये, हर साल ही डालते हैं इनफैक्ट, कि जब हमारे बच्चे की शादी होती है या हमारे किसी रिलेटिव भतीजी की शादी होती है, भतीजे की होती है, किसी फ्रेंड के बच्चे की होती है, बर्थडे होता है, तो ज़्यादातर फार्म हाउस पे ही किया जाता है, बहुत दूर दूर, कभी मेहरौली, कभी छतरपुर, कभी गुड़गांव, जो कि हम कई बार दिल्ली से बाहर भी होता है। तो हम उसी दिन शादी वाले दिन ही हम उस दिन वहाँ पहुँचना चाहते हैं, कैसे भी करके हम पहुँच जाते हैं। अगर बर्थडे है तो हम बर्थडे पे पहुँचेंगे, फर्स्ट बर्थडे है किसी का, तो हम ये तो नहीं करते कि आज हमें इनविटेशन आया है तो हम कल जाएंगे, या शादी आज है तो आज जाम है तो हम आज नहीं जा सकते, बहुत रश है, हम कल जाएंगे। तो ऐसे ही ना हमें अपने गुरुजी के बर्थडे के लिए सब नहीं सोचना, क्योंकि वो एक खास दिन होता है संगत जी, उस दिन हमें जाना ही है, कैसे भी करके, मैं कहती हूँ पैदल ही क्यों ना आपको चलना पड़े, पर उस दिन आपको बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए। बड़े मंदिर में उस समय गुरुजी साक्षात, वैसे तो रोज ही विराजमान होते हैं, पर अपने खास ओकेजन पे, जैसे खास तैयारियां की जाती हैं। आप बताइए कि बड़ा मंदिर जब इतना डेकोरेट होता है, आज 1 महीने से वहाँ पे गौरव अंकल और इतने सारे सेवादार तैयारियां कर रहे हैं, बापू जी इतनी तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ गुरु जी के लिए कर रहे हैं? नहीं ना, वो तो गुरु जी की संगत के लिए कर रहे हैं। गुरु जी की संगत आए, उनका वेलकम किया जाए, वो गुरु जी को देखें, गुरु जी का बड़े मंदिर को निहारें, वहाँ से ब्लेसिंग्स लें, वहाँ का लंगर प्रसाद लें, वहाँ का चाय प्रसाद लें, जो भी वहाँ से आपको मिलेगा, और गुरु जी का रूप को निहारेंगे, एकदम अनोखा, सुंदर, सलोना, शिव जी, बाबा, गुरु नानक देव जी और नंदी जी और सारे देवी देवता, गणपति जी, सब कितने अच्छे सजे होते हैं, डेकोरेट किए होते हैं, फूलों से सजाया होता है, लाइट से सजाया होता है बड़े मंदिर को, तो उससे आप वंचित ना रह जाएं। प्लीज़ आप उस दिन जरूर जाएं, और उस दिन अपने घर में कोशिश करें सत्संग ना करें शाम को या दिन में, क्योंकि सारा दिन ही लग जाता है तो संगत भी नहीं आ पाती। तो उसके बाद आप पूरा कभी भी आप सत्संग करें, पूरा महीना 31 जुलाई तक किसी भी दिन आप गुरु जी का बर्थडे मना सकते हैं। उस दिन मंदिर सुबह 11 बजे से, मुझे पता चला है जो सूत्रों के अनुसार, कि सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। तो जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी दर्शन करेंगे, लाइंस तो लगी होंगी, और बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, और हम सब गुरु जी को बोलेंगे सुहाना सा मौसम कर दो, ठंडा ठंडा कर दो, हो सकता है बारिश भी हो जाए उस दिन, छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारी डेकोरेशन खराब हो जाएगी। जिम 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 होते हैं ना बूंदाबांदी, और जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो भी बारिश हुई थी, और गुरु जी के जन्म दिवस पे भी बारिश हुई थी, तो वो वाला शब्द सुनाते हैं ना श्री गुरु नानक देव जी का, मेरा मन कर रहा है मैं आपको 2 लाइन सुनाऊं, हम गुरु नानक बर्थडे पे भी सुनाते हैं और हम गुरु जी के बर्थडे पे भी ये सुनाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी मेरे पापा हैं और गुरु जी मेरे वीर जी हैं, तो हम दोनों के लिए सुनाते हैं। चिम चिम वरसे अमृत तार, गुरु नानक ने लिया अवतार, क्योंकि गुरु जी गुरु नानक देव जी का रूप, शिव जी का, महाशिव का रूप है। चिम चिम वरसे अमृत तार, गुरु नानक ने लिया अवतार, विच ननकाणे दे आया है नानकी दा वीर। तो मेरे तो वीर जी बन के आए हैं गुरु जी। और चिम चिम वरसे अमृत तार, मेरे गुरु जी ने लिया अवतार, बड़े मंदिर में आए हैं मेरे गुरु जी, बड़े मंदिर में आए हैं, गुरु जी की वीरा के वीर, है ना। लव यू सो मच गुरु जी, बहुत प्यार आता है आपके ऊपर, क्या करूं मैं, मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ कि जब आपका बर्थडे आता है, जब आपका महासमाधि दिवस आता है, तो मन उदास हो जाता है, बर्थडे पे खुश हो जाता है मन। तो ये तो हमारे जीवन के पहलू हैं, सुख और दुख दोनों पहलू हैं ना, तभी तो कहते हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो सुख में अरदास करूं, दुख में अरदास करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में मैं रहूं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और बड़े मंदिर का तो मैसेज मैंने आपको दे ही दिया है, और अब हम गुरु जी की महिमा का जल्दी जल्दी बखान करते हैं, आधा घंटा है मेरे पास अभी, क्योंकि आजकल हमने 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक घर में सत्संग शुरू किया हुआ है, मंदिर
मजेदार बात है कि 3 से 4 हम योगा करते हैं यहाँ पर संगत के साथ में, गुरु जी के साथ बैठकर, और 4 से 5 हम सत्संग की घड़ियाँ गुरु जी ने बख्शी हुई हैं और अपने गुरु को मनाते हैं कि जल्दी जल्दी आपका आइए, आपका जन्म होने वाला है। तो वो तैयारियाँ हर साल ही चलती हैं, थोड़ी सी जो भी हमारी 10-12 संगत आती है, यहाँ आसपास के लोग आते हैं। और मैं तो 7 तारीख को सुबह सुबह जल्दी जल्दी अमृत वेला करके निकल जाएंगे हम लोग सब बड़े मंदिर के लिए, और फिर हम 9 तारीख को यहाँ पर गुरुजी का बर्थडे अपने घर में सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी पूरी प्लानिंग चल रही है उसके लिए भी, जैसे भी गुरुजी करवाएंगे। तो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, अब आप गुरुजी के दर्शन कीजिए। मैं अपना फेस हटा रही हूँ गुरुजी के दरबार के, गुरुजी के दर्शन करते हुए मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आप सिर्फ गुरुजी को निहारिए, गुरुजी को देखिए, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको आपके साथ वन टू वन हो रही थी मैं, कि चलो एक ब्लेसिंग थी कि गुरुजी का आदेश था, हम एक बार सामने आमने आकर सब संगत को जय गुरुजी बोल लें और अब हम गुरुजी के दर्शन करेंगे। जय गुरुजी। देखिए गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, है ना। तो आइए हम इधर गुरुजी के आपको दर्शन भी कराते हैं, सब रूप के भी दर्शन होते रहेंगे आपको साथ साथ में, और बीच बीच में मैं आपके साथ होती रहूँगी रूबरू, ठीक है। थोड़ा ना ये इसको सेटिंग कर दूँ जरा मैं, ताकि आप गुरुजी को देखते रहिए, है ना। इसमें क्या होता है ना संगत जी, हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ना वो एकदम कॉन्शियस होके ना बोलना मुझे सही नहीं लगता। बिल्कुल सामने कैमरा के बैठे हैं और सब हमें ही देखी जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि गुरुजी को देखते हुए ही सत्संग की गरिमा बनी रहती है थोड़ी सी। बाकी तो गुरुजी की जैसे मर्जी होती है, हर एक का अपना भाव होता है कैसे सत्संग करने का। किसी को गुरुजी लाइव सामने बिठा कर सत्संग करते हैं, किसी को कैसे कराते हैं। तो मेरा अब मन है कि मैं गुरुजी की महिमा जो है अब गुरुजी के सामने बैठ कर सुने। शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए, जब वक्त आता है ना तभी हम गुरुजी से जुड़ पाते हैं, और सत्संग सुनने का भी वक्त आता है। जब तक गुरुजी आपको सत्संग नहीं सुनाना चाहेंगे ना, तब तक आप बिल्कुल भी उनकी मर्जी के बिना कोई भी सत्संग आप नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि कल का ही मैं आपको एक सत्संग सबसे पहले सुनाती हूँ, फिर हम पीछे 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 जाते जाएंगे। जो सत्संग आजकल मैंने इन दिनों में सुनाए, आज का जो सत्संग है ना वो मेड्स को, ड्राइवर्स को समर्पित है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, गुरुजी हर साल अपने बर्थडे पे, अपनी महासमाधि दिवस पे मेड्स को, ड्राइवर्स को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करते हैं और उनके लिए ही सत्संग करवाते हैं। उनके लिए जो सत्संग हुए ना वो ही शेयर करवाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये तो मेड का सत्संग नहीं है, ये कल का ही सत्संग है। सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ, मैं भूल जाऊँगी वरना। कल क्या हुआ कि मैं अपना नेल आर्ट कराने के लिए मैं गई थी, तो वहाँ पर ना मैं करवा रही थी, और वो भी ना गुरुजी को मानती हैं। एक नया हमारे यहाँ पर नेल सलोन खुला है, वो लड़की भी गुरुजी को मानती है। तो उसके यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी दो गर्ल्स हैं, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे फ़ोन में वहाँ मंत्र जाप चल रहा होता है एज़ यूजुअल, जो कि मेरे फ़ोन में हमेशा ही मंत्र जाप चलता रहता है, आप सबको पता है 24 घंटे चलता है ना। तो क्या हुआ कि थोड़ी देरी हुई मुझे कराते हुए, तो मेरे पीछे ना एकदम एक गर्ल आके बैठी, बड़ी प्यारी, बड़ी स्वीट सी, घुंघराले घुंघराले बालों वाली, बिल्ली बिल्ली आंखों वाली, बहुत ही सुंदर, लंबी, 5'8" 5'9" उसकी हाइट थी। तो बार बार ना मेरी नज़रें ना उसकी तरफ जा रही थी, मैं उसको देख रही थी, तो मेरी नज़रें हट नहीं रही थी उस लड़की से। मुझे ऐसे लग रहा था मैंने उसको कहीं पर देखा हुआ है। तो इतने में ना मेरे फ़ोन पे ना फ्रेम वाले का फ़ोन आता है, जहाँ से मैं गुरुजी की फ्रेम कराती हूँ। मैंने वहाँ से कुछ फ्रेम करवाए थे अपनी मम्मी की और फादर इन लॉ की फ़ोटो के और गुरुजी के कुछ स्वरूप के। तो वो लड़की एकदम से ना मुझे कहती है कि आंटी आपका फ्रेम वाला इतना सस्ता फ्रेम कर देता है। तो मैंने बोला हाँ, ये ना गुरुजी वाले भैया हैं ज्वालाडी में, वैसे तो बाकी बहुत महंगा करते हैं पर ये बहुत सस्ता करते हैं। ऐसे करती ना उस लड़की ने मेरे से बात शुरू कर दी। आपको मैं बताऊँ कि मैं ना अपने मन में सोच रही थी कि मैं ना इस लड़की से ना गुरुजी की बात करूँ,
पता नहीं मुझे उस लड़की में ना गुरु जी का जैसे चेहरा, गुरु जी की बिल्ली बिल्ली आंखें और गोरी सी एकदम ऐसे नजर आ रहा था। तो मेरा बहुत अंदर से मन था पर मैं कर नहीं पा रही थी, हालांकि मैं कर लेती हूँ, मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं किससे भी बात कर लेती हूँ, पर उसने मुझसे खुद बात शुरू की। फिर मैंने उसको कहा कि आप क्या करते हो, तो उसने बोला मैं ना एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट करती हूँ, मेरी आर्ट गैलरी है हौज खास में, और मैं ऐसे ऐसे करके उसने अपनी बातें बताई कि मैं बहुत महंगे फ्रेम कराती हूँ। तो उसी समय ना एक संगत का फ़ोन आया और मैं ना उस संगत का मैंने स्पीकर ऑन किया, और वो संगत जी मुझे शिवी आंटी हैं अमृतसर से, वो मुझे पूछ रही थी कि गुरुजी का मुझे सत्संग करना है 7 तारीख को, आंटी अकेले बैठ के करना है, मुझे बता दो कैसे करना है। तो मैंने स्पीकर ऑन करके मैंने उनको बताना शुरू किया कि आपको कैसे सत्संग करना है। तो वो लड़की पूरा सुन रही थी, तो उसने मुझे फ़ोन रखने के बाद बोला कि आप गुरुजी को मानते हो, तो मैं भी ना कभी एक बार गुरुजी के मंदिर गई थी। तो मैंने कहा अच्छा अब नहीं जाते, कहती नहीं मुझे ना कोई लेके गया था, मैं दोबारा कभी नहीं गई। तो फिर मैंने उसको अपना यूट्यूब चैनल बताया, मंत्र जाप के बारे में बताया, तो वो बड़ी खुश हो गई लड़की। मैंने उसको बताया कि हम अमृत वेला करते हैं, ऐसे से मेरा पेज है गुरुजी की वीरा फेसबुक पे। तो एकदम से वो लड़की कहने लगी कि मैं ना पंजाबी बाग में रहती हूँ, मैं अपनी मदर को लेके ना आपके घर ज़रूर आऊँगी जब आपके घर में सत्संग होगा, तो शायद ना गुरुजी चाहते हैं कि मैं दोबारा से बड़े मंदिर जाऊँ। तो संगत जी उतनी देर जितनी देर उसकी और मेरी नेल आर्ट होती रही ना, मैंने उसको पता नहीं कितने ही सत्संग सुनवा दिए गुरुजी ने, और वो लड़कियाँ भी सुनती रहीं जो गर्ल्स थी, वो लड़की बड़े प्यार से सुनती रही। तो एंड में वो लड़की कहती है कि आंटी आप मुझे देख रहे थे, मैं आपको देख रही थी, मुझे ना आप में से ना बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी पता नहीं क्यों। तो मैंने बोला कि शुक्राना गुरुजी कि जब लोग ऐसे कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उसको अपने बारे में बताया कि भाई मैं भी पहले ऐसी नहीं थी, हम भी बहुत नेगेटिव होते थे, हमारे भी घर में बहुत लड़ाई झड़ाई होती। तो उसको मैंने सारे सत्संग सुनाए, अब फिर उसको गर्ल्स के सत्संग सुनवाए। तो हमारे यहाँ वहाँ पर लड़की जो एक काम करती है वो बता रही थी कि वो लड़की बता रही थी जो बैठी हुई थी कि मेरी जो सिस्टर है वो जज है और मेरा जो भाई है वो एयरफोर्स में और मैं भी लॉ कर रही हूँ। तो अचानक से उस लड़की ने पूछा कि भी मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसका डिवोर्स का केस चल रहा है। ऐसे करते करते उस लड़की को मैंने डिवोर्स के ऊपर सत्संग सुनाया, तो वो बड़ी खुश हो गई। वो कहती है आंटी अब तो बड़ी अच्छी काउंसलिंग भी कर लेते हो, तो मेरे पास कोई ऐसे लोग आएंगे ना तो मैं उनको आपके पास ज़रूर भेजूंगी जिनको ऐसी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। मैंने कहा ज़रूर बेटा, ये तो मेरी सेवा होती है। तो ऐसे करके वो कहने लगी कि अब मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, पहले मैं आपके घर आऊंगी फिर मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी। मैंने कहा मैं आपको लेके चलूंगी। तो देखिए संगत जी, यहाँ पे मैं ये गुरुजी के सामने बैठकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कोई इंसान, कोई संगत कई साल पहले मंदिर जाते हैं और अचानक से वो छोड़ देते हैं जाना, और फिर गुरुजी उन्हें हमसे मिलवाते हैं और फिर हमसे गुरुजी की महिमा का बखान करवाते हैं गुरुजी, और फिर उसको उसका इतना मन कर जाता है कि वो मंदिर जाए। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये सब की सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। जो मैंने आपको शुरू में बोला कि जब किसी का वक्त आता है सत्संग सुनने का, वो तभी सत्संग सुन पाता है, वरना वो गुरुजी की मर्जी के बिना वो सत्संग भी नहीं सुन पाता। आप सोचो, आप YouTube पे किसी का सत्संग लगा के बैठ जाओ, आपका कोई बैल बज जाएगी, कोई घर में आ जाएगा, अगर गुरुजी ने आपके आपका हुक्म नहीं है सत्संग उस समय सुनने का, आप नहीं सुनोगे। अब कई बारी जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ लाइव बैठ करना, तो कई बार लोग बहुत कम जुड़े होते हैं, शुरू शुरू में नहीं जुड़ते हैं, पर जब हमारा वो सत्संग है बाद में कितने हज़ारों लोग उसे सुन लेते हैं, तो वो गुरुजी डिसाइड करते हैं किस समय किसको कब सुनवाना है। अब हो सकता है आज ज़रूरत ही ना हो किसी को सुनने की, लेकिन जो बाद में सुने उसे बहुत ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें जो हैं, एक मिनट संगत जी आपको प्लीज़ होल्ड करना पड़ेगा। हाँ जी, मैं ना लाइव सत्संग कर रही हूँ। हाँ जी संगत जी, आज मेरे अंकल और मेरा बेटा दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि हम निकल रहे हैं, सॉरी संगत जी प्लीज़, तो इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया, वरना मैं फ़ोन नहीं उठाती किसी का। तो संगत जी, हाँ प्रीति आंटी, मैं अचानक ही बैठ गई, मैं तो आराम से बैठी हुई थी क्योंकि हम 3-3:30 बजे तैयारी करते हैं सत्संग की, और गुरुजी ने कहा बैठ जाओ, चलो मैं आपको फटाफट सत्संग सुनाती हूँ। मैंने आज बड़े सारे सत्संग छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ये तो हो गया, अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, 1 वीक पहले का सत्संग है, बड़ा मज़ेदार सत्संग है ये, आप सुनिएगा। एक ना हमारे घर में ना मेरे अंकल के एक फ्रेंड आए उस दिन डिनर पर, अंकल आंटी दोनों आए, उन आंटी को भी मैं एक बार बड़े मंदिर ले गई थी, और वो अंकल हमारे यहाँ अमृत वेला में आए हुए हैं एक बारी, और वो भी उनको भी गुरुजी से
गुरु जी ने सेवा लेके जुड़वाया, मतलब वो एक अलग कास्ट के हैं, पर गुरु जी ने उनको काफी मेरे से मैसेज करवाए और वो जुड़ गए। तो क्या हुआ कि उस दिन ना वो डिनर पे आए और आके बैठ गए। तो जैसे ना मैंने, मेरे को पता था कि आज तो मेरी सेवा होनी है, जैसे सत्संग में नहीं सेवा करते 2 घंटे मैम लोगों को अटेंड करते हैं, जल पिलाते हैं, फिर स्नैक्स खिलाते हैं, फिर लंगर प्रसाद सब हमने बना रखा था, पर मेरे अंकल और मेरा बेटा उनसे मीटिंग कर रहे थे और मैं उनकी प्रॉपर सेवा में लगी हुई थी, चल रही थी, आ रही थी, बर्तन उठा रही थी, जैसे मुझे लग रहा था ये मेरी सत्संग की 2 घंटे की सेवा है। तो जब उनको हमने चाय वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी, तो इतने में ना उन्होंने कहा कि मुझे एक मेडिसिन चाहिए। तो मेरे अंकल कहते हैं मैं ले आता हूँ। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि आप उनका ड्राइवर खड़ा उसके साथ ही जाके ले आओ ना। तो वो मेरे अंकल ना उस ड्राइवर भैया के साथ में मेडिसिन लेने चले गए। तो वो ड्राइवर भैया, ड्राइवर अंकल कहते हैं मेरे अंकल को कि मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो मेरे अंकल ने कहा ऊपर आ जाओ भैया, आकर ले जाओ। तो मेरे अंकल तो आके उस कमरे में चले गए। अब वो भैया ना बड़े सीधे साधे से थे, मुझे कहने लगे कि मुझे पानी चाहिए, प्लास्टिक की बॉटल लेके आए थे। तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ बैठो, मैं आपको पानी पिलाती हूँ ठंडा ग्लास में। कहने लगे नहीं 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 मैडम जी, नहीं मैडम जी, आप ना हमें ना क्या कहते हैं हमें आप ना बस ऐसे ही दे दीजिए पानी। चलिए मैं ना थोड़ा सा आपके साथ हो जाती हूँ बीच बीच में, है ना, संगत जी चाहते भी हैं कि हम बड़े दिनों के बाद मिले हैं, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम एक दूसरे को देखते भी रहते हैं। गुरु जी का स्वरूप दर्शन हो रहा है, थैंक यू सो मच। आप कहोगे तो मैं अपना चेहरा हटा देती हूँ और मैं फिर गुरु जी के दरबार की तरफ ले जाऊँ, या थोड़ी देर ऐसे ही बैठूँ, आपकी मर्जी हो संगत जी, तो जैसे आपकी इच्छा हो। आपको वैसे अच्छा लग रहा था तो वैसे चली जाती हूँ मैं। तो मैं चाहती थी, इसमें थोड़ा मेरा भाव था उस ड्राइवर के प्रति, तो मैं सामने आमने बैठकर आपसे शेयर करती हूँ। तो संगत जी जैसे ही ना वो भैया अंकल आए ना, तो मैंने उनको ये बोला कि आप बैठो सोफे पे, मैंने उनको बिठाया। तो वो कहने लगे कि नहीं 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 अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। तो मैंने बोला कि आप बैठो तो सही ना। मैंने उसके हाथ से पानी की बॉटल लेके मैंने उनको ग्लास में ठंडा पानी दिया। वो बड़ी मुश्किल से वो सोफे पे ऐसे जरा सा आगे होके बैठ गए। तो इतने में ना मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक दी और मैंने उनको थोड़ा स्नैक्स खाने को दिया जो भी हमने बनाया। तो उसके बाद ना मैं जैसी मैं ना थोड़ी देर पहले ही ना गुरुजी को भोग लगा गई थी इस कमरे में, स्नैक्स का और कोल्ड ड्रिंक का। तो मैं ना संगत जी गुरुजी के कमरे का ना जब भी उनको भोग लगाती हूँ, दिन में किसी भी टाइम मैं उन्हें भोग लगाती हूँ, कुछ भी खाने को लगाती हूँ, तो मैं ना गुरुजी के कमरे का ना एसी चला देती हूँ मैं। तो जैसे ही मैं उन अंकल के पास में गई, उधर गई उस कमरे में उस भैया को बिठाकर, और जैसे ही मैं वापिस आई ना, तो गुरुजी मुझे कहते हैं थॉट दिया गुरुजी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरे को एक टेलीपैथी से बोला कि तू मेरे कमरे का एसी ते चलाया होया ते तू उन्हें इत्थे ही बिठा दे ले आके। और मैंने कहा हाँ गुरुजी। फिर मैं उस बंदे के पास गई, मैंने कहा भैया सुनो, क्योंकि अंकल तो मुझसे बोल नहीं सकती, पहली बार आया था। मैंने कहा भैया आप ना जरा चप्पल जूते उतारो और इधर आओ। उसने जूते उतारे, वो डर गया। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने बोला इस कमरे में ना ये हमारा गुरुजी का कमरा है, यहाँ पे एसी चल रहा है, आप ना यहाँ कारपेट पे ना आराम से बैठ जाओ। तो जैसे ही संगत जी वो अंदर आया, मैं आपके साथ इसलिए जुड़ी हूँ कि उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, ओ माय गॉड, वो गुरुजी जानते हैं और मैंने देखा। तो वो बंदा ना मतलब लिटरली यहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पे खड़ा हो गया और ऐसे 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 देखने लगा। तो कहने लगा ये क्या जगह है? तो मैंने बोला ये हमारे गुरु जी का रूम है। कहते हैं मैडम जी आप तो मुझे स्वर्ग में ले आए हो। तो मैंने बोला हाँ ये स्वर्ग है, आप बैठ जाओ यहाँ पे, अब यहीं बैठो, ठंडी ठंडी हवा खाओ, एसी तो चल ही रहा है, अभी तो आपके जो आए हैं मालिक उनको टाइम लगना है, खाना वाना खाओगे डिनर करोगे बैठो आराम से। तो पहले तो डर के मारे बैठा ही नहीं कि मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं कारपेट पे कैसे बैठूँ। मैंने कहा आप बैठ जाओ प्लीज़, कुछ नहीं होगा, ये गुरु जी हमारे। फिर ना मैंने उसको ना, मैं उधर गई नहीं अपने अंकल के पास, तो मैंने उसको बताना शुरू किया ये गुरुजी गद्दी लगती है, यहाँ पे गुरुजी बैठे हैं, वो लाइव हैं, ये गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में, यहाँ पे बड़ी ब्लेसिंग होती है, और ना यहाँ हमने जो मंत्र जाप लगा रखा है ना लिखा हुआ। तो मैंने भैया से कहा भैया ये मंत्र जाप होता है ये ना यूट्यूब पे आता है, आप ना बस इसको बोलते रहा करो और ना आपकी सारे काम बन जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। इतना कह के ना मैं ना चली गई। तो संगत जी थोड़ी देर बाद में फिर से आई ना, तो ना वो अंकल ना इधर खड़े होके ना इस तरफ खड़े होके ना ये मंत्र जाप को ना पढ़ रहे थे।
तो ना मुझे कहते हैं कि मैडम जी मैं तो धन्य हो गया, मुझे आप कहाँ पे ले आए हो, मैं तो ना ये मंत्र जाप पढ़ के ना मैंने अपने अंदर घोल लिया पूरा, मैं इसमें डूब गया हूँ और अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। फिर कहता है कि मैं आपके चरण छू रहा हूँ, मेरे को अपने चरण छूने दो। मैंने कहा ऐसे नहीं करते भैया, यहाँ पे किसी के चरण नहीं छूते। नहीं मैं मतलब इस काबिल भी नहीं था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इतने प्यारे स्वर्ग जैसे मंदिर में बैठूंगा। उसने इतनी दुआएं दी ना संगत जी, वो मुझे ऐसे दुआएं लुटा रहा था, वो कह रहा था कि मेरी सारी दुआएं आपको लग जाएं। और हमें क्या चाहिए होता है गुरु जी से, सिर्फ और सिर्फ दुआएं, ब्लेसिंग्स, ये आपको सबको पता है। इतने में मैंने उसे कहा बैठो, फिर मैं बाहर गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, मैं फिर उनको खिला पिला के आई तो वो अपना मोबाइल नीचे से ले आया था। तो अपने मोबाइल से ना कहता मैं फोटो ले लूँ। मैंने कहाँ ले लो संगत जी। उसने आधा घंटा लगा के ना एक एक स्वरूप की, एक एक गद्दी की, एक एक मंत्र जाप की, जय गुरु जी जय गुरु जी बोल के उसने वीडियो बनाई। इधर दीवाना सा हो गया, जैसे गुरु जी ने उसको सम्मोहित कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया। गुरु जी तो ऐसे ही है हमारे कि एकदम दीवाना कर देते हैं किसी को। और मैं तो ये बात कहती हूँ कि सच में लोग मुझे जब ये बात बोलते हैं ना, तो मुझे सच में कभी कभी विश्वास होता है कि कहते हैं कि आंटी आप बोलते हो कि गुरु जी आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं और आप हमें हिप्नोटाइज कर लेते हो। तो एक मेरी बेटी की तरह बनी हुई है, डिम्पल बिटिया है, लखनऊ में रहती है, मुझे बुलबुल माँ बुलाती है। वो मुझे कहती है आपसे मिलके लगता है कि मैं हिप्नोटाइज हो गई हूँ। तो ये भी जो ब्लेसिंग है ये शायद गुरु जी ने दी है, क्योंकि मुझे तो गुरु जी हमेशा ही हिप्नोटाइज कर लेते हैं। और जो उनकी संगत होती है वो तो वैसे ही उनसे हिप्नोटाइज हुई हुई है। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे अंकल ने कहा कि तुम ना डिनर लगा दो। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी मैंने ना डिनर की भोग की थाली बनाई गुरु जी की, जो भी मैंने पनीर राजमा सैलेड और जो भी जितना भी रायता वायता रोटी सब मैंने नैपकिन वगैरह टिश्यू लगाकर और मैंने गुरु जी को भोग लगाया। वो यहीं बैठा हुआ था। तो अब गुरु जी ने फिर से मुझे थॉट दिया कि ये भोग तो यही खाएगा। गुरु जी क्या करिश्मा है आपका, मतलब गुरु जी किस रूप में आ जाते हैं, क्या किसी को राजा बना देते हैं, एक तुरंत एक सेकंड नहीं लगाते वो एक रंग को राजा की कुर्सी पर बिठा देते हैं। मैं बाहर गई, मैंने बाकी सारा खाना गरम किया, खाना उठाया, मैंने उस अंकल से कहा भैया आप ना बाहर आ जाओ क्योंकि हम इस कमरे में ना खाना नहीं खाते हैं, मैं आपके लिए खाने की प्लेट लगा रही हूँ। जनरली मैं उस भोग को मिक्स कर देती हूँ, जैसे मैं और मेरे अंकल होते हैं हम खा लेते हैं या जैसे कोई आया होता है। उस दिन गुरुजी ने उस भोग का एक कण भी किसी को नहीं खान दिया, उसको दूसरी प्लेट में डाला और उस अंकल के लिए एक नीचे कारपेट बिछवाया, क्योंकि मैंने उसे कहा कि आप आराम से नीचे बैठ के खा लो, सोफे के साथ बैठोगे तो वहां पे टेबल नहीं थी। तो वो कहने लगा नहीं मैं ना जमीन पे बैठ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं आप कारपेट पे बैठो। संगत जी जैसे हम संगत को खिलाते हैं, जैसे हम किसी बड़े महापुरुष को खिला रहे होते हैं, उसको गुरुजी ने बिठाया, उसको आराम से पूरी 2-3 थालियों में जो भी खाना था वो उसको खिलाया, टिश्यू पेपर दिया, उसे जल प्रसाद दिया ठंडा। वो बंदा उसकी आंखों में नमी थी और वो बार बार पैरों में मेरे झुक के मुझे दुआएं दिए जा रहा कि मैं बता नहीं सकती। उसने मुझे लाखों दुआएं उसने दी। क्या किया मैंने, करा क्या था, एक गुरुजी के एक संगत को इतना सा खाना ही तो खिलाया था जो गुरुजी ने ही दिया हुआ है, जो खाना हम रोज खाते हैं। यही गुरुजी भाव मन में डालते हैं कि अपनी मेट्स को, अपने सर्वेंट्स को सबसे ऊपर रखो आप, तब गुरुजी आपको अपने सर का ताज बनाते हैं। मुझे एक पल्लवी आंटी भी मैसेज कर रही थी ना, दुआएं कमाना बड़ा मुश्किल है। पल्लवी आंटी ने मुझे अभी एक बीके शिवानी का एक वो भेजा था, छोटा सा क्लिप भेजा था, तो उसमें यही उन्होंने बोला था। पल्लवी आंटी ने मुझे बोला कि ये मैं बुलबुल आंटी आपके लिए भेज रही हूँ क्योंकि आप दुआएं कमाते हो, है ना। हाँ आंटी ने उस दिन मेरे को पता नहीं क्यों मैसेज भेजा, आपको तो पता भी नहीं ये वाला सत्संग, पल्लवी कथूरिया आंटी, उन्होंने कहा कि आप ऐसी दुआएं कमाते हो, गुरुजी ने आपको ऐसा बनाया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी इस काबिल तो आपने बना दिया कि लोगों की दुआएं हमें मिल सके, हमें चाहिए ही क्या, इतना कुछ तो आपने दे ही दिया, हमारे कर्म कटवा रहे हो और दुआएं जो मिल रही है ना उसके तो कोई मोल ही नहीं है। संगत जी फिर ना जो हमारे घर अंकल आए थे उन्होंने मीठे प्रसाद में ना थोड़ी सी छेना मुर्गी और स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले मंगवाए थे, उन्हें मीठा बड़ा पसंद है।
छैना मुर्गी मैं पहले खिला चुकी थी भैया को, अब मुझे लगा कि ना मैंने गुरु जी को स्पॉन्ज वाला रसगुल्ले का भोग लगाया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ थोड़े से फिर भी ना मतलब कि वो हो जाते हैं कभी कभी ना, अपने लिए सोच बैठते हैं। तो मुझे मीठा बड़ा पसंद है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, मेरी ना कल से शुगर थोड़ी हाई आई है, तो मैंने चीनी बिल्कुल बंद कर दी है कल से। मैं चाय में भी चीनी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी ने बोला है कि अब मैं देखो ठीक कर दूंगा। तो उस दिन तक मुझे मीठा मैं बहुत खा रही थी, तो मुझे लगा कि ना ये ना जो रसगुल्ले हैं ना ये पूरे पूरे ही हैं, तो मैंने इस भैया को दे दूंगी, इसको ना मैं कुछ फ्रूट दे दूंगी। लालच आ गया मेरे मन में कि मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं। देखो मैं अपनी आपको गलती बता रही हूँ, गुरु जी कैसे हैं। तो क्यों गिन के लाए थे मेरे अंकल, तो मैंने ना उस अंकल भैया को ना खाना खाने के बाद ना 2 दिन आड़ू दे दिए। मैंने कहा भैया आप ये मीठा खा लो, कह रहा नहीं मेरा तो बहुत पेट भर गया मैं कुछ नहीं खा सकता। मैंने कहा खा लो ये मीठा है, और रसगुल्ला मैंने उठाया नहीं गुरु जी के यहाँ से। तो इतने में क्या हुआ कि जब मैं बाहर गई तो फिर गुरु जी मेरे पीछे पड़ गए, कह रहे खुद खाएगी तो रसगुल्ला, चलो उन्होंने दे के आया रसगुल्ला। अब देखो गुरु जी कितना ख्याल रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा मेरा भी रखते हैं, मेरा तो रखते ही हैं। अब मैंने कहा चलो गुरु जी का आदेश हुआ है, मैं वो रसगुल्ला उठाया दूसरी कटोरी में डाला, मैंने कहा भैया ये खा लो गुरु जी ने भेजा है। कहता है मैडम मैं कितना खाऊंगा, मैंने इतना सारा भोजन कर लिया, मैंने ये फ्रूट भी खा लिया, मेरे को नहीं खाना। मैंने कहा देखो भैया ये तो भोग वाला है, आपको खाना पड़ेगा, गुरु जी ने बोला ये आपको ही देना है। मैंने कहा आपकी गुरु जी मर्जी नहीं होगी मुझे आज रसगुल्ला खिलाने की, चलो कोई बात नहीं मुझे अच्छा तो बड़ा लगता है। तो जब मैं सारा खाना समेट रही थी और मैंने उधर अपने अंकल का और उन दोनों मियाँ बीबी का और अपने बेटे का खाना लगा रखा था, तो वहाँ पे एक रसगुल्ला जो होता है स्पॉन्ज वाला वो बच गया। तो हुआ क्या कि मैंने बोला ये किसने नहीं खाया, तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी आपको पता है मैं तो स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला खाता ही नहीं। ओह माय गॉड, मैंने कहा गुरु जी मतलब आप कैसे हो ना कि उसका भी ख्याल रखा और आपने मेरा भी ख्याल रखा, मतलब वाह वाह गुरु जी। और मैं जल्दी से आई और मैंने किचन में आके उसका रस निचोड़ा और मैं पूरा रसगुल्ला खा गई। मैंने कहा वाह वाह गुरु जी, मेरा इतना मन कर रहा था। मेरा बेटा कहता है कि मैं खाता ही नहीं हूँ, मेरे लिए क्यों रख दिया। तो ऐसे हमारे गुरु जी ना सबका ख्याल रखते हैं संगत जी, और मेरा तो खास करके रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, मतलब खुशी के मारे ना मेरी आँखें भीग जाती हैं। गुरु जी आप इतना प्यार करते हो। मैंने अपने बेटे से फोर्स किया खा ले, कहता मैं नहीं खाता आपको पता है मैं ये नहीं खाता। और गुरुजी ने वो रसगुल्ला मेरे लिए पहले से रखा हुआ था और ड्राइवर को भी खिलाया था, है ना। तो कितने मतलब प्यारे हैं ना हमारे गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सच में। तो सच में आंटी उन्होंने मेरे लिए बचा के रखा हुआ था। तो मुझे बड़ी हंसी आती कई बार गुरुजी के ऊपर, गुरुजी मुझे कहते हैं तू ना बहुत बड़ी नौटंकी है। तो फिर ना मैं भी गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप भी बहुत बड़े नौटंकी हो, क्योंकि आप मेरे साथ ना बहुत सारा नाटक करते हो। पहले मुझे तरसाते हो चीज़ों के लिए, फिर मुझे दे भी देते हो, और पहले मुझे तंग करते हो, तब तड़पाते हो, कल्पाते हो, फिर मुझे फटाफट उससे अच्छा देते हो। तो ये मेरे गुरुजी का प्यार है सच में। संगत जी लव यू सो मच मेरे गुरुजी को। तो मैं आपको ना एक और बड़ा प्यारा सत्संग सुनाती हूँ, देखो आपको मज़ा आ जाएगा सुन के ना। तो मेरे ना आंसू आ गए थे इसलिए, खुशी के मारे ना, इसलिए मैं आज सोचा था आज तो रोने वाला कोई मौसम ही नहीं है, क्योंकि आज तो गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज ना गुरुजी अपनी जो महिमा का बखान करवा रहे हैं ना, वो मतलब ऐसे ऐसे सत्संग हैं। गुरु जी कह रहे हैं बोलती चली जा, क्योंकि अभी तक मैं लोगों को सुना रही थी, कल ही मैंने यहाँ संगत को सुनाया था। पता नहीं आपने ये सत्संग सुना हुआ या नहीं सुना हुआ, मुझे नहीं पता। ये ना बहुत पहले का सत्संग है, मतलब मैंने जब मैं नोएडा में थी तब एक आंटी ने सुनाया था, उनके घर का रियल का ये सत्संग है। एक आंटी ना अपने घर में गुरु जी की उन्होंने गद्दी लगाई हुई थी संगत जी, जिसे हमने लगाई है, सबने लगाई होती है। तो वो गुरु जी की ना बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, और जब उनके घर में सत्संग होता था ना तो वो गद्दी को ड्राइंग रूम में लगा देती थी। तो ड्राइंग रूम में उन्होंने बड़े सारे स्वरूप लगाए हुए थे, जैसे हमारे कमरे में लगे हुए हैं। और उनके घर में ना मंथली सत्संग होता था संगत जी। तो जब मंथली सत्संग होता था तो वो पूरी तैयारियां व्यारियां करके रख लेती थी, सजा लेती थी। तो एक बार की बात है, उनके घर में ना एक नई ना मेड आती है, तो उनके घर में मंथली सत्संग होता है और उनको ना कहीं मार्केट जाना पड़ता है 2 घंटे पहले। तो वो अपनी मेड से कहती हैं कि तू ना ध्यान रखियो, कोई आएगा, वैसे तो मैं पहले आ जाऊंगी, अगर कोई आए तो उसको तू बिठा लियो,
और मैं ना अभी आ रही हूँ। तो संगत जी, वो लड़की ना उनके घर में सिर्फ एक दिन पहले आई होती है और उसे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो मैंने सबसे पहले आज शुरुआत की थी कि सत्संग सुनाना, सत्संग सुनना, गुरु जी किसको ब्लेस कब करते हैं वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर उनकी पूजा करते आ रहे हो, आप उनके सत्संग कर रहे हो, मंथली सत्संग कर रहे हो, रोज सेवा में जा रहे हो, रोज अमृत वेले कर रहे हो, रोज जाप कर रहे हो और गुरु जी आपको दर्शन दे रहे हैं, और जो कभी भी किसी मान नहीं रहा गुरु जी को तो उसको दर्शन नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग हमेशा गुरु जी की होती है। तो वो जो लड़की थी, वो जो मेड थी, वो लगी हुई है, ये ना जो मेरी मालकिन है ना, इनके भाई या तो इनके फादर होंगे या इनके फादर इन लॉ होंगे। तो वो यही सोच रही थी, इतने फोटो वोटो लगा रखी है। तो अचानक से उसकी मैडम के जाने के बाद ना दरवाजे की बेल बजती है और गुरुजी एंटर होते हैं अंदर। साक्षात गुरुजी एंटर होते हैं, जैसे ये वाइट चोला पहना है, वाइट चोले में। अरे एक बात याद आ गई, मैं बाद में शेयर करती हूँ इस सत्संग के बाद, आप मुझे याद दिलाना, अभी अभी शेयर करूँगी। गुरुजी का मुझे स्वरूप देख के याद आ गया, हैरान हो जाओगे आप ये भी सुन के। तो संगत जी, वो लड़की दरवाज़ा खोलती है और गुरुजी एंटर करते हैं, तो उन्हें नमस्ते करती है। उसको लगता है, वो ऐसे फोटो देखती है, स्वरूप देखती है गुरुजी का, वो सोचती है तो आंटी के, मेरी मेड के, मेरी मैडम के पापा हैं। वो उन्हें अंदर बुलाती है और गुरुजी आते हैं जहाँ पे गद्दी लगी होती है ना, ये बिल्कुल रियल वाला सत्संग है जिस आंटी ने सुनाया था। तो वो जो गुरुजी अंदर आते हैं और जहाँ पे गद्दी लगी होती है, जहाँ अभी 2 घंटे बाद सत्संग होना था, उस गद्दी पे आके बैठ जाते हैं। अब वो लड़की को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये पक्का इनके पापा ही हैं। शक्ल बहुत मिलती है। अच्छा, तो वो ना बड़ी हैरान होती है, वो सोचती है कि ये तो आके यहीं बैठ गए हैं, तो इनका ही घर होगा, ये बैठ गए हैं तो चलो कोई नहीं। वो कहती है, तो गुरुजी उसको कहते हैं चाय बना मेरे वास्ते। तो फटाफट भागी भागी जाती है, चाय बना के ले आती है। अब गुरुजी चाय पीते हैं, उसे कहते हैं बैठ जा, वो बैठ जाती है उनके चरणों में। गुरुजी उसको कुछ नहीं बोलते, देखते रहते हैं, वो बैठी रहती है ऐसे करके। वो चाय पीते हैं, चाय का कप उसको देते हैं और उठ के चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब उसकी मैडम आती है, तो घर में बड़ी फ्रेग्रेंस आ रही होती है। उसने रंगोली तो बनाई हुई थी, पर उसको ना एकदम से ना बड़ी ज़्यादा घर में अलग ही फ्रेग्रेंस आती है। तो वो अपनी मेड से कहती है, कोई आया था क्या? तो वो कहती है कि एकदम ना, वो ऐसे बात करते करते ना उस रूम में जाती है जहाँ पे गद्दी लगी होती है, गद्दी का चोला पूरा टेढ़ा मेढ़ा, गुरु जी बैठे थे वहाँ पे आके। तो वो कहती है कि यहाँ पे कोई आया था क्या? इस गद्दी पे कोई बैठा था कि? ये गद्दी को तूने छेड़ा था क्या? ये तो मैं अच्छे से चोला लगा गई, ये सारा खराब हुआ है, रंगोली खराब हुई है, बेटा क्या किया आपने? तो वो डर जाती है लड़की। वो कहती है कि फोटो की तरफ देखती है, गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती है और कहती है कि ये आपके पापा है ना, यही तो आए थे अभी। कहती ये आए थे? कहती हाँ। कहती ये आए थे, दरवाजा खोला, बैठ गए आके, कहते चाय बना, मैंने उनको चाय पिलाई, चाय पी के वो चले गए। वो जो लेडी होती है, वो आंटी होती है, वो उसको गश आ जाता है एकदम से, वो थोड़ी फेंट सी होने में। कहती है मतलब वो उस समय इतना रोती है, इतना रोती है गुरुजी के चरणों में गिर के कि महाराज, मैंने आपके सत्संग की तैयारी करी, मैं कई सालों से आपको मानती आ रही हूँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, आप मेरे पीछे से आए और जो मेरी मेड एक दिन पहले आई उसको दर्शन दे के चले गए हो, क्या मैं इतनी अभागी कि आप मुझे नहीं मिल के गए हो? पर वो एक तरफ से बड़ी खुश भी होती है कि भाई कमाल है, मेरे घर आज गुरु जी साक्षात आई, ये लड़की तो झूठ नहीं बोलेगी ना। जब वो उस लड़की को ये बताती है मेड को कि तेरे तो कई जन्मों के कर्म कट गए बेटा, तू तो ब्लेस हो गई है, ये महाशिव है, शिव का दूसरा रूप है, जिन्होंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। अब कांपने की बारी उस मेड की थी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि जब पुरानी संगत भी जब ये कहती है कि जब गुरु जी थे चोले में तो हम उनको, हमारे सामने थे तो हम उन्हें साक्षात, हम उन्हें रब नहीं मानते थे, हम उन्हें एक ह्यूमन बींग, एक मनुष्य मानते थे, जब वो चले गए तो आज की संगत उन्हें भगवान मानती है, तो वो फर्क तो है ही है। तो ऐसे ही जब भगवान सामने आ जाए तो कौन भी, जिसको पता ही नहीं है कि ये कौन से भगवान है, कौन से गुरु जी हैं। पर देखिए किस्मत, गुरु जी, मैंने आपको क्या कहा, गुरु जी सबसे पहले मेड्स को ब्लेस करते हैं,
गुरुजी सबसे पहले अपने ड्राइवर्स को ब्लेस करते हैं। ये गुरुजी की ना बहुत ही बड़ी कृपा है, मतलब ये सत्संग भी कल गुरुजी ने सुनवाया, शुक्राना मेरे मालिक का। हाँ, मैं गुरुजी का स्वरूप देख के मेरे को ये याद आया, संगत जी मैं ना आपको जरूर वो दिखाऊंगी। 2 दिन पहले ना मेरे को ना गुरुजी ने ना, मैंने मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस स्वरूप को ध्यान से नहीं देखा था, ये जो सेम दुपट्टा गुरुजी ने पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, ये मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है, मेरी बेटी ने मुझे दिलाया है। बिल्कुल ऐसा प्योर गढ़चोला का दुपट्टा मेरी अलमीरा में आगे आगे रखा हुआ है, और अगर आप वेट करोगे तो मैं आपको 1 मिनट में ला के दिखाती हूँ। मेरे को अचानक मेरी नज़र पड़ी गुरुजी के इस दुपट्टे पे, और उसने मुझे ये कहा था कि आप गुरुजी के बर्थडे पे पहन लेना, पर मैंने गुरुजी के बर्थडे पे कुछ और सोचा हुआ था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए वो दुपट्टा उस दिन अपने ग्रीन सूट के साथ जरूर पहनूंगी। हमने उस दिन रखा है ग्रीन एंड येलो कलर का थीम रखा है, मैंने ग्रीन एंड येलो अपना सूट भी बनवा रखा है, पर अभी अभी गुरुजी ने इस दुपट्टे के दर्शन कराए और गुरुजी ने मुझे वो दुपट्टा अपने बर्थडे का ही लगता है ब्लेस करके दिया है। तो 1 मिनट रुको, मैं फटाफट लेके आती हूँ, जाना मत आप लोग। जय गुरुजी। संगत जी सॉरी मैं उठ के गई 1 मिनट के लिए। देखो अब हैरान हो जाओगे, ये देखो सेम दुपट्टा गुरुजी का, देख रहे हो है ना, जो गुरुजी ने पीछे देखो पहना हुआ, ये देखो एकदम सेम। अभी अभी मुझे एकदम गुरुजी का दुपट्टा देख के याद आया, और वे तो मैंने ऐसे ही पसंद कर लिया था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया ये वाला दुपट्टा, अब मैं यही पहनूंगी सोच रही हूँ, थोड़ी देर के लिए तो मैं ज़रूर पहनूंगी, है ना, एकदम सेम है ना, ये देखो जो गुरुजी ने पहना हुआ है। वाह गुरुजी कमाल, सच में बिल्कुल गुरुजी, सच में आप तो बहुत ही प्यार करते हो, ये बात तो बिल्कुल सच है, और मैं तो हमेशा मानती हूँ कि आप बहुत प्यार करते हो सच में। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और इस सब रूप में तो हमारे गुरुजी वैसे ही राजा महाराजा की लुक दे रहे हैं, और हमें भी उन्होंने ऐसे ही प्रिंसेस बना के रखा हुआ है, अपनी बेटियों को अपनी बहनों को। तो ठीक है, हो सकता है गुरुजी राखी का गिफ्ट दे चुके हो मुझे, है ना गुरुजी, ये राखी का भी गिफ्ट हो सकता है और आपके बर्थडे का भी गिफ्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच। तो गुरुजी के आपको मैंने मेट के साक्षात दर्शन का आपको सत्संग सुनाया मैंने, और ऐसे बहुत सारे मेड्स के सत्संग हैं। हमारे घर में एक मुस्लिम मेड आती थी, देखो गुरुजी मुस्लिम को कैसे जोड़ते हैं। एक मुस्लिम हमारे घर में मेड थोड़े दिन के लिए आई, हमारी जो देवी थी वो चली गई, तो उसको भेजा गुरुजी ने, और क्या कहते हैं उसको, उसके पास काम नहीं था उन दिनों, वैसे वो मालिश का काम करती थी, तो अब वो मुझे रोज़ जय गुरुजी बोलने लगी, वो गुरुजी को मत्था टेकने लगी, और मतलब उसको ऐसे गुरुजी ने जोड़ लिया, उसका काम ही काम है मुस्लिम होके। गुरुजी कहते हैं मुस्लिम मुझे नहीं मानता तो क्या हुआ, मैं तो मुस्लिम के पास जा सकता हूँ, और वो लड़की मंत्र जाप सुनने लगी है। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत सारे मेट्स को ब्लेस किया हुआ है। मैं और भी आपको सत्संग सुनाऊंगी, क्योंकि अभी 3 बज गए हैं और हमारी संगत जी आना शुरू हो गए हैं, और अब हमारा योगा का टाइम हो गया है, फिर हम 4 से 5 फिर से सत्संग करेंगे। ये तो आज हमारा ये प्री बर्थडे का सत्संग था, कि जो बर्थडे से पहले की थोड़ी सी ब्लेसिंग मुझे शेयर करनी थी ना, शुक्राना गुरुजी का। तो कोशिश करूंगी मैं 7th को दोबारा से रात को आपके साथ जुड़ने की, और जैसे भी गुरुजी चाहेंगे तो हम दोबारा से जुड़ेंगे। और हाँ सच में ये तो कलर भी बिल्कुल सेम है, देखो गुरुजी का ऑरेंज कलर और ये वाला कलर एकदम सेम है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अभी हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे, है ना। जय गुरुजी।